नमस्कार दोस्तों, आज़ादी से कुछ साल पहले संयुक्त पंजाब में एक बच्चे का जन्म होता है और ये बच्चा अपने बचपन के दिनों में ही भारत के विभाजन के समय हरियाणा के क्षेत्र में आता है और उसके बाद पत्रकारिता से अपने जीवन की शुरुआत करते हैं और एक के करके लगातार ये चुनाव जीतते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, हारते भी रहते हैं और तीन बार ये विधायक बनने का इनको अवसर मिला और तीनों बार ये मंत्री भी बने। आज हम बात करेंगे पूर्व मंत्री एसी चौधरी जी से, फरीदाबाद में आज इनके पास हैं और राजनीति की जो पुरानी बातें हैं वो आपसे जानेंगे। एसी चौधरी जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद भाई। सबसे पहले तो चौधरी साहब, ये बताइए कि जब भारत का विभाजन हुआ तो कैसे आप यहाँ फरीदाबाद तक पहुँचे? देखिए, बेसिकली जिस एरिया में हम रहते थे था तो एक ही भारत जी, तो वो फ्रंटियर प्रोविंस कहलाता था। अच्छा। वहाँ का एक सॉलिड लीडर बादशाह खान हुआ करते थे, अब्दुल गफार खान साहब, ये दो भाई थे। ये तो हमारे यहाँ कल्चर है कि सगे भाई से भी बढ़कर पगड़ी बदल भाई का नाम होता है। अच्छा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू वहाँ आया करते थे, तो हमारे फ्रंटियर के नेता, फ्रंटियर गांधी, बादशाह खान साहब नेहरू जी के साथ उनको घुमाते थे, लोगों को मिलाते थे। तो मैं एक बहुत बड़े पैसे वाले धनाढ्य परिवार से मेरा जन्म हुआ था, तो वो उस वक़्त उनको साथ लेकर के हमारे यहाँ ही उनका आना जाना रहता था। स्टेट के अंदर रहते तो वो कुहाट ज़िला है जी, उसमें तहसील है हंगू। अच्छा। हंगू के हम रहने वाले हैं, पुलिस ट्रेनिंग कैंप भी वहाँ था और उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसी थी कि दो तरफ तो पहाड़ था जी और अफरीदी इतने हावी थे, जब वो भूखे होते थे घोड़े लिए दौड़ाए, जिस उनको पता लग जाता था अपने मुखबरों से कि उनसे पैसे मांगते थे तो उनका कोई ना कोई बच्चा उठा ले जाते थे। अच्छा। तो कहते थे लाओ 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये, जिसकी जितनी औकात है बसात। तो उस वक़्त मिनार्टी प्लस मुस्लिम का भी, जो फाइनेंशियली बहुत वीक लोग थे जी, वो सारे मेरे पिता के पास और मेरा ताया जी थे, पिताजी का नाम श्री करमचंद और मेरे ताया जी का नाम श्री स्वामी दास। अच्छा। तो मुसलमान जो थे वो और वहाँ के हिंदू इतने आश्रित हो गए थे, हजारों एकड़ ज़मीन थी हमारी, तो उस लिहाज से मुकाबले में कोई आया ही नहीं होगा। चौधरी परिवार एक ही था, हेडेड बाय माय चौधरी की वजह से, अंकल एंड फादर। तो जब कभी वो करते थे तो ये अपने घोड़े रखे थे, इन्होंने अपने बाकायदा तौर पे एक घुड़साल बनाया हुआ था, 8-10 घोड़े रखे हुए थे। अच्छा। एक साईस रखा हुआ था जो घोड़ों की देखभाल करता था और जिस ग्रुप के लोग बच्चा उठा कर ले गए ये उनके जाकर के उनके जो चौधरी था, मुखिया था, उसको उठा कर ले आते थे, बांध लेते थे। अच्छा। कहते थे बच्चा भी लाओ और इसका खमियाजा इसके परिवार को दो। तो इस तरीके से हमारी पहचान बहुत अच्छी हो गई थी, बहुत। मेरे फादर लॉ ग्रेजुएट भी थे और उस वक़्त पहले ये जज थे। अच्छा। लेकिन अंग्रेज़ों ने जब पूरी सत्ता संभाल ली तो उन्होंने हिंदुस्तानी को क्लर्क से ज़्यादा कोई पोस्ट नहीं दी, तो जजों को कहा ले जाए, तो उन्होंने क्या किया, जज को रख दिया असेसर। अच्छा। ये डिग्री दे दी, तुम असेसर हो, जो भी था चलता था। तो उस नाते से वहाँ से हमारी वाकफियत इतनी ज़्यादा, पूरे ज़िला क्या फ्रंटियर प्रोविंस के छः ज़िलों में हमारी बहुत अच्छी पहचान मेरे पिताजी की थी। जब 47 से पहले 46 में बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, 45 में सेकंड वर्ल्ड वॉर भी ख़त्म हो गया, हर घर में आंसू ही आंसू नजर आ रहे थे, तब ये सब जगह गए और आखिर में मेरे पिता ने फैसला किया कि मुल्क का बंटवारा हिंदुस्तान में है, अपने हिंदुस्तान में जाएंगे, पाकिस्तान में क्यों रहेंगे।
तो मुझे याद है हंगू से जो गाड़ी चली 25-30 किलोमीटर आगे बड़ी होगी, दो पहाड़ियों के बीच में से रास्ता जाता था रेलवे ट्रैक, वही आगे अफरीदी खड़े थे। अच्छा, गाड़ी रोकी गई, लूटपाट शुरू कर। मेरे फादर के पास उस वक्त का जो आज का पाकिस्तान है उस सारे एरिया का जो था, आप एक समझिए आर्म्स एंड एमुनिशन का पूरा होलसेल का, तो आर्म्स एंड एमुनिशन का भी हमारे पास ठेका था पूरा होलसेल जी। तो घर से निकलते उनका दो ले लिए रिवॉल्वर, एक 6 गोली वाला, 11 गोली वाला, दो बंदूकें ले ली। एक मेरे फादर को अफगानिस्तान के बादशाह ने उनकी जान बचाने के वजह में मेरे फादर को दी थी, जिसका हार्डली वजन आधा किलो पौड़ा किलो था। अच्छा, रिवॉल्वर बंदूक का डबल बैरल। ओके, डबल बैरल, वो अभी मेरे पास है, लेकिन उसका वो जो बट था बट टूट गया था, फिर मैंने दूसरा डलवाया तो जो लकड़ी वो थी वो तो हमें मिल नहीं सकी। बंदूक भी अगर आप चाहोगे मैं आपको दिखाऊंगा, उसके ऊपर सबके ऊपर फूल थे गुलकारी। अच्छा। और बहुत फर्स्ट लाइट वेट ये हमारे पास थी। तो मेरे फादर ने क्या किया, परिवार के 5-7 आदमियों को एक एक तरफ से हथियार पकड़ा दिया, जो भी आए ठोक दो, देखना मत, और जिसके पास 6 गोली वाला है वो है, और जिसके पास 11 वाला वो तो इतना बड़ा था कि उसका तो बेस भी था, रख दो तो टा 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 करो घूम जाता। वो भी देखा हुआ आपका? वो मैंने देखा है लेकिन मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरे स्टेप ब्रदर ने अपना हरिद्वार में किसी से झगड़ा हुआ, इसलिए उसको गोली मार दी। गोली मारी तो हम लोग तो माइग्रेंट थे, बाकी तो उसको कंसेशन मिल गई कि उसने ज्यादती की थी, लेकिन रिवॉल्वर जो 11 गोली वाला था वो पुलिस ने सीज कर लिया, सरकार ने जमा कर लिया, और 5 गोली वाला मेरे दूसरे भाई के पास किसी के पास है। बंदूक मेरे फादर ने किसी को नहीं दी, क्योंकि बहुत ही एक अजीब तोहफा था, एक तो पहले वो था, दूसरा वो उसके ऊपर सारे हल्के हल्के गुलाब गुलकारी की हुई। देखेंगे, फिर वो भागे वहां से? नहीं, उसके बाद ये हुआ कि हमारे वाली बोगी के नजदीक कोई नहीं आया। हम वहां से आगे निकल के अगले स्टेशन पे आगे फौज वौज भी आ गई जी। फिर मेरे फादर का रुतबा था, जब ये स्टेशन पे उतरे तो धरती कांपने लगी थी कि पता नहीं ये क्या करेगा, और हाथ में उनके रिवॉल्वर, अगर ये मेरे पास ना होते तो मैं आज यहाँ ना होता, और इसकी जिम्मेदारी स्टेशन मास्टर तुम पे थी, गाड़ी रास्ते में रुकी कैसे। राजीव सर, उस वक्त का ये एक बहुत बड़ी चीज़ मुझे याद है कि देखो भगवान की कृपा, उस वक्त का जॉइंट फैमिली सिस्टम भी था। हम 9 भाई और 5 बहनें, एक बाप की औलाद 14। अच्छा, तो जो तो हमारे साथ थे उनको तो बाप ने दे दी रिवॉल्वर वगैरह, नहीं थे तो जो गाड़ी में और बैठे थे उनको पकड़ा दिए, लो भाई। चारों तरफ से खिड़की, जरूरत पड़ती है तो खिड़की का खाली शीशा इतना तोड़ लो कि उनकी गोली तुम तक ना जा सके, तुम्हारी गोली सब तक जा सके। और हम जितने भी 4-4, 5-5 साल के बच्चे थे सबको लेटरिन में बंद कर दिया। अच्छा, कि बच्चे तो बच जाएंगे, हमारा जो होगा देखेंगे। तो उस मुझे याद है, 2 इधर थी, एक बोगी का इधर वाले सिरे पे और इधर वाले सिरे पे, और दूसरी जो जॉइंट वाली बोगी थी उसके भी 2-3-4 लेटरिन जो थी वो कट्ठी थी। तो हम जो भी थे 20-25 बच्चे सबको गाड़ी में बंद कर दिया, और एक एक आदमी की ड्यूटी लगा दी कोई बाहर जाने के लिए, बच्चे तो बच जाएंगे। वहाँ से फिर हम लोग आए, फिर आगे आए तो हमें पता लगा एक गुरुद्वारा इनका, दस अप्रैल थी शायद, बैसाखी से पहले था। आगे गाड़ी और पकड़ी उन्होंने, उन्होंने सबको मार दिया, उसमें सिर्फ छोटे बच्चे जो नीचे दब के रह गए।
वो बच गए, वो बच गए, बाकी एडल्ट लेडी जेंट्स सारे मारे ले गए, लड़कियां जवान जन पकड़ के ले गए। अच्छा, लड़कियां भी उठा ले गए, दुनिया भर का किया। उनकी यादगार में यहाँ गुरुद्वारा भी है। अच्छा, गुरुद्वारा गुजरात के शहीदाने गुजरात सिख थे, वो सिख थे? नहीं, सिख नहीं थे वैसे, मोने हमारे यहाँ जो फ्रंटियर में एक बड़ा भारी कल्चर ये था, हमारे यहाँ धर्म सा मंदिर गुरुद्वारे वगैरह का कोई ज्यादा चलन नहीं था। अच्छा, हमारे यहाँ होता था धर्मशालाएं। अच्छा, धर्मशाला में गीता भी, रामायण भी, गुरु ग्रंथ साहब भी, और जो धार्मिक ग्रंथ थे शिष्य का जैसे ये है तो उसके ऊपर लिखा होता था गीता रामायण ये फलाना ग्रंथ है फलाना ग्रंथ, ये जिसको जो पढ़ना होता था इस टाइप की एक लकड़ी की बनी होती थी उसके ऊपर रखी, पढ़ ली, माथा टेका, फिर वापस अपनी जगह पे रख दो। तो उस तरीके से हम लोग, फिर मेरे फादर चूंकि बहुत पैसे वाले थे इसलिए उन्होंने हिमाचल प्रदेश में भी अपने एक बहुत बड़ी कोठी रखी हुई थी। अच्छा, यहाँ आने के बाद या पहले? पहले सी थी। अच्छा, पार्टीशन से पहले मनाने के लिए वो थी कांगड़ा में नगरोटा भगवान। अच्छा, एक तहसील है उसके नीचे से नहर गुजरती है, नहर के किनारे इन्होंने एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाया हुआ था 3-4-5 कमरों का। अच्छा, तो हम वहाँ आ गए, हम तो आ गए पठानकोट उतर गए, ये लोग बाकी अपने जो गाड़ियों में आगे निकल गए। यहाँ से फिर हमारी चिट्ठियाँ एक दूसरे को मिली, हम कहाँ हैं, कोई कहता है मैं अम्बाले में हूँ, कोई कहता है मैं कुरुक्षेत्र, कोई करनाल, रिफ्यूजी कैंप में, ना बस कुरुक्षेत्र रिफ्यूजी कैंप तक ही हमारे फ्रंटियर के लोग गए। अच्छा, जो भूले भटके जिस तरह हम उधर चले गए इस तरीके से कुछ अम्बाले भी आ गए। फिर बाद में जब वो रिश्तेदारियों में चिट्ठियाँ बटी तो मुड़ के हम सब जो लोग हैं वो कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए, क्योंकि ये तय हो गया था कि गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया था कि फ्रंटियर वालों को पंडित नेहरू ने कहा था कि दिल्ली के पास पास ही इनको बसाएं, बसाएं, बहुत आ जाता है इनको। चलो हो गया जी, यहाँ आ गए, फरीदाबाद ही आए पहले, उसके बाद अम्बाला, उधर से निकल के अम्बाला आ गए। अम्बाला जितनी रिश्तेदारी थी सारे अपने पैक करके वहाँ कुरुक्षेत्र रिपोर्ट किया हमने कि हम यहाँ आ गए। हम रास्ते में उतर गए थे, कुरुक्षेत्र से हमें फिर सबको पैक करके फरीदाबाद भेजेंगे। तो निचले से में टेंट लगे होते। अच्छा, तो उन्होंने टेंट लगा करके हमें पहले बसाया, फिर उसके बाद ये फरीदाबाद टाउन का NIT न्यू इंडस्ट्रियल टाउन के नाम से इसको कल एक बहुत बड़ी शहर बसाया, जिसमें अब तो सेक्टर कहते हैं, उस वक्त नेबरहुड कहते थे। अच्छा, तो ये नेबरहुड नंबर 5 है। अच्छा, इससे आगे वाला 4, फिर 3। तो यहाँ पे ये पुराने मकान नहीं बने हुए थे, यहाँ प्लॉट अलॉट हुए थे? ना ना, दो दो कमरे के मकान। अच्छा, दो दो कमरे, दो दो कमरे के मकान, एक कमरे में आप सो तो दूसरे कमरे में खाना भी पकाओ तो बाहर भी करो, सारा था बस 2 रूम सेट। और बाहर एक बोर लैट्रीन बना रखी थी, उसमें ही आपके हाजत पूरी करो। तो वहाँ तो महल से फिर आप सीधा 2 कमरे में आ गए यहाँ पे? एकदम 2 में। फिर मेरे बाप ने कहा भाई किचन को अलहदा करो, कमरे में हीटअप होती है, फिर एक किचन किया। फिर मेरे बाप ने कहा कि भाई ये बोर लैट्रीन जो है ना बदबू आती है इससे। फिर कोने पे ये सारे प्लॉट जितने भी हैं 233 गज के। अच्छा, तो फिर मेरे बाप ने कहा कि भाई इस कोने पे हमें अलग लैट्रीन बढ़ा दो, चाहे चूल्हा लैट्रीन बन जाएगी, जमादार आएगा सफा कर जाएगा। उस वक्त एक्सकेवेंजर बहुत होते थे जमादार में, तो इस तरीके से यहाँ से शुरू हुआ।